अगर आपको ये शानदार रेसिपी प्यार से बनानी है और बहुत ही आसानी से बनानी है तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए कढ़ाई में हम यहाँ पर तेल डाल रहे हैं। कोई सा भी तेल हम यूज कर सकते हैं? कोई सा भी तेल जो आप खाते हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो मैं सबसे पहले ये रोस्ट करूंगी। ये बादाम है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। ओके, बादाम यानी कि आलमंड्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये काजू है 15 से 20 काजू, 15 से 20 ही बादाम है। ये कोकोनट मैंने ये ऐसे पीसेस कट कर लिए हैं। ये ड्राई कोकोनट हमने यहाँ पर लिए हैं। ये उसके पंपकिन के सीड्स हैं वो भी मैं डाल रही हूँ, बहुत हेल्दी होते हैं ये। ओके, तो अगर आप पंपकिन के सीड्स अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम रोस्ट कर लेंगे। ओके, और गारंटी बाजार से भी बढ़िया नमकीन का मिक्सचर आप घर में बना पाएंगे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। ये पीनट भी डाल देंगे मैं इसमें। हमने यहाँ पे ये रोस्टेड पीनट्स लिए हैं। या रोस्टेड पीनट्स हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर आप चाहें तो कच्चे पीनट्स लेके उनको यहाँ पर सेक सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से क्रंच आ जाएगा ना जब इसमें हमने इसमें काजू बादाम आप देख सकते हैं ड्राई कोकोनट सब कुछ डाला है। अब मैं लास्ट में ये किशमिश है वो डाल रही हूं। किशमिश को ज्यादा पहले नहीं डालना नहीं तो ये ब्लैक हो जाती है। ओके, और देखिए ये फटाफट बनती है ये वाली नमकीन मिक्सचर, अभी हम आपको दिखाएंगे। अब मैं इसको आप कम ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो भी खाना चाहते हैं वही डाल सकते हैं आप। और अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे, नमकीन मिक्सचर बना रहे तो ये जो नमकीन मिक्सचर बाजार में मिलता है उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम तेल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब मैं इसमें ये करी लीव्स डाल रही हूँ। करी पत्ता है यहाँ पर, थोड़ा हमारा तेल ऑलरेडी गर्म है क्योंकि कढ़ाई में यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस सॉल्ट डालिए, थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रही हूँ यानी कि ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट ये चाट मसाला है आप टीस्पून, अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, ये रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ओके, मसाले अपने जले नहीं, बस गैस को देख लीजिए आप अपने हिसाब से। अब हम इसको रोस्ट कर लेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का ताजा है। हम आई हैं विद माय लवली मॉम विजय अल्दिया जी के संग आज आपको दिखाने के लिए घर में बनने वाला ये नमकीन मिक्सचर। ट्रस्ट मी ये मिक्सचर इतना अच्छा है कि आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। और अब हम क्या डाल रहे हैं? मेरा कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा है, ये अपन जो रेगुलर ब्रेकफास्ट में खाते हैं दूध के साथ है, वो वाला कॉर्नफ्लेक्स है वो मैं 2 कप के करीब डाल रही हूँ मैं। देखिए कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर यहाँ पर बना रही है, इतना क्रंची और इतना टेस्टी होता है, इसको इजीली आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये सारे ड्राई नट्स भी डाल दूंगी। और मजा आ जाएगा खाने में। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए। 1 टेबल स्पून में शुगर पाउडर डाल रही हूँ, ये पिसी हुई चीनी हम यहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पर क्रश शुगर आप देख सकते हैं। रेडी हो गया है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए। तो मॉम ये कॉर्नफ्लेक्स को इसमें ज्यादा सेकना नहीं पड़ता? हाँ, ये क्रंची होते हैं कॉर्नफ्लेक्स के, क्रंची क्यों रोस्टेड ही आते हैं ये, ज्यादा इनको सेकना नहीं है। और फिर आपको ये आइडिया कैसे आता है कि कॉर्नफ्लेक्स फटाफट बन जाती है? चाय बनेगी उससे पहले बन जाएगी आपकी नमकीन। देखिए चाय बनेगी और उससे पहले मम्मी आपको यहाँ पे बता रही है कि कैसे आप ये चिवड़ा बनाएं और घर में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे घर में तो ये ऐसे स्टोर करके रख लेती है मम्मी। कितने दिन तक चलता है मम्मी? नहीं ये खराब नहीं होता है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स है, वो सारे रोस्टेड है कॉर्नफ्लेक्स है। और मम्मी ने आपके लिए बना दिया है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बनाइए खाइए एंजॉय करिए। थैंक यू मॉम फॉर अनदर लवली रेसिपी। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।